तो अभी जो है वेरी गुड मॉर्निंग है सबसे पहले तो, क्योंकि आज डेट जो है वो है 12/12/2021 और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हिमालयन का एक साल। साथ में मेरी जो ह्यूज बाइसिकल है उसको हो गए हैं 5 साल। मैं हमेशा 12/12 पे लिया था। 12/12/2020 में हिमालयन आई थी और 12/12/2016 में ह्यूज आई थी। 12/12/2024 में क्या आएगा वो हम अभी नहीं मालूम है। और प्लानिंग नहीं थी कोई राइड की, बस सुबह 6 बजे लगा कि आज राइड चलते हैं। 6 बजे उठे, 7:45 तैयार हुए और 7 बजे निकल गए हैं। कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है अभी तो। फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं पोहे का और उसके बाद आगे थोड़ा सा और निकलेंगे, जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल फुल है और ठंड जो है वो भी फुल ऑन है। ठंड कितनी है, टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 14 डिग्री के आसपास, 13 डिग्री के आसपास मैंने देखा था। और पहला मैं पोहा खा चुका हूँ, दूसरा पोहा मैं भी खा रहा हूँ और चाय रखी हुई है साइड में। तो मैं मिलता हूँ आपसे रोड पर। एंजॉय करते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। ओके, तो फाइनली मैं आ गया हूँ रामटेक। सुबह चले थे 7 बजे और पहुँच गए थे मेघ ढाबे पे। पोहा खाया था, कहीं रुके नहीं, मूड बनता गया और आगे चलते गए। वहाँ पे डिस्कशन हुआ, किसी ने बताया कि रामटेक एक जगह है, वहाँ पे जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, पहाड़ी पे मंदिर है। और वाकई में महाराष्ट्र की सीमा में कब एंटर कर गए, पेंच जाने का प्रोग्राम बना था, पेंच नहीं जा पाए और पेंच से आगे मैं आ गया हूँ रामटेक। ये अपना जो पवनी है, पवनी के आगे एक जगह पड़ती है मनसर, मनसर से आपको लेना पड़ता है लेफ्ट टर्न। फ्लाईओवर मत चढ़िए, उसके पहले ही मुड़ जाइए और आप पहुंच जाएंगे रामटेक के मंदिर। बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंदिर है, एकदम पूरी रॉ फीलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी किले में आया हूँ। बेसिकली रामटेक इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना है यहाँ पर, वो ये है कि राम जी यहाँ पर रुके थे, इसलिए रामटेक बोलते हैं। और दूसरा ये भी है कि उन्होंने कसम खाई थी कि यहाँ पर जितने दुष्ट हैं उनको नरसंहार कर देंगे, इसलिए इसको रामटेक भी बोलते हैं। पता नहीं क्या सही है, नहीं पता है, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। तो अभी चलते हैं अंदर मंदिर के दर्शन की तरफ और फिर आपसे आगे भी बात करेंगे। तो फाइनली अभी रामटेक मंदिर में राम जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी बाहर आ गए हैं। और पूरा नज़ारा यहाँ से देखिए आप, पूरी रामटेक सिटी यहाँ से दिखती है और बहुत ही शानदार जगह है, एकदम पहाड़ी पर स्थित है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, आँखें थोड़ी सी नहीं खुल पा रही हैं, ठंड सुबह बहुत ज़्यादा थी, अभी तो ठीक है, लेकिन नज़ारा यार एक नंबर नज़ारा, ये नज़ारा ख़त्म नहीं हो रहा है। और हम बने हुए हैं बंजारे, आज काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं हमें राइडर बनना है। राइडर बनने के लिए कुछ चाहिए नहीं आपको, गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ नहीं चाहिए। राइडर बनने के लिए बस आपको राइड करनी आनी चाहिए, वो भी अच्छे से और सेफ्टी गियर्स के साथ। तो जो भी लोग हैं जो राइडर करना चाहते हैं या राइडर बनना चाहते हैं, तो मेरा तो सिर्फ यही बोलना है कि राइडिंग करो, सेफ्टी गियर्स के साथ करो, हेलमेट ज़रूर पहनो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी इसी को यहाँ पर करते हैं और
आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब इसके आगे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन देखेंगे जो भी होगा पता लग जाएगा आपको। तो मिलते हैं आपसे रोड पर। I'm gonna make you mine.